वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 यहां पे पोस्ट वाइज आपकी क्या सैलरी रहने वाली है जब यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कौन सी पोस्ट की क्या सैलरी रहने वाली है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल सा मोटिव यही है कि आप सब लोगों को मोटिवेटेड रखना। अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके बाद CBT 2 आपको जल्द ही से कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप लोग CBT 1 क्लियर कर जाएंगे, आपका इतना स्कोर आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए CBT 2 की। और चलिए फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 12th लेवल की पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी इनिशियल पे यहाँ पे 19,900 बता रखी है, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी जो यहाँ पे मिलेगी वो अराउंड 24,000 to 25,000 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी भी इनिशियल पे सेम है और आपकी जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो भी इतनी ही रहेगी, 24,000 to 25,000। थर्ड है यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर, इसकी भी इनिशियल पे सेम है और सेम ही इसकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। फोर्थ है यहाँ पे ट्रेन क्लर्क, और इसकी भी इनिशियल पे सेम है और इनिशियल इसकी जो इन हैंड सैलरी है वो भी यहाँ पे इतनी रहने वाली है, 24,000 to 25,000। फिफ्थ नंबर पे है यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसकी यहाँ पे इनिशियल पे बता रखी है 21,700 और आपको जो इसकी इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 26,000 to 27,000 के समथिंग आपकी इसकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। गाइस, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बता रखे हैं, तो इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए अलग से एक वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का हमें मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब फॉर्म फिल हुए थे और पोस्ट प्रेफरेंस हमने भरी थी वो हमारी आई साइट तब कुछ और थी, अभी कुछ और, मतलब कि कई लोगों के स्पेक्स नहीं थे, अब स्पेक्स भी लग चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक और वीडियो में। तो आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। नंबर वन पे है यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट, इसकी यहाँ पे इनिशियल पे बताई है 25,500 और गाइज यहाँ पे जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी, 28,000 to 29,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। सेकेंड है यहाँ पे गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड की यहाँ पे इनिशियल पे 29,200 है और इसकी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,000 to 36,000 के करीब। थर्ड है यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसकी भी इनिशियल पे सेम है और इसकी इन हैंड सैलरी भी सेम ही रहने वाली है। फोर्थ नंबर पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी इनिशियल पे यहाँ पे 29,200 दे रखी है और आपको जो इसकी इन हैंड सैलरी मिलेगी वो भी इतनी मिलेगी, 35,000 to 36,000। फिफ्थ नंबर पे है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसकी भी इनिशियल पे सेम है और इसकी जो इन हैंड सैलरी है वो भी सेम रहने वाली है। सिक्स नंबर पे सीनियर टाइम कीपर, सेम ही इनिशियल पे है और सेम ही इन हैंड सैलरी रहने वाली है इसकी भी। सेवन्थ नंबर पे है यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसकी जो इनिशियल पे है वो है 35,400 और इसकी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 48,000 से लेके 50,000 के अराउंड। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसकी और इसीलिए आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। आपको भी पता है कि अब नहीं पता NTPC की अगली वैकेंसी कब आएंगी और यही वैकेंसी फिल करने में आप समझिए 4 से 5 साल लग गए हैं, लग जाएंगे बिल्कुल। अब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2023 ही आ जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से मौका नहीं जाने देना है हाथ से। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेशन मास्टर, बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है और इसकी जो यहाँ पे इनिशियल पे बता रखी है वो 35,400 है, आपको इसकी भी इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 48,000 to 50,000 ही मिलेगी। तो अच्छे से मेहनत कीजिए CBT 2 में, अच्छे से अपना क्लियर करना है CBT 2 भी और फाइनल पोस्टिंग लेनी है, तो बिल्कुल भी अपना मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होने देना है। और कोई भी अपडेट आती है रिजल्ट की रिगार्डिंग हो, CBT 2 एग्जाम की रिगार्डिंग हो या फिर ग्रुप डी की एग्जाम डेट की रिगार्डिंग हो, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगी। चैनल के साथ आप जुड़े रहें और सभी के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अग्नि बैच बाय टीम प्रतियोगिता मंत्रा लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, यह बैच साल का सबसे बड़ा बैच रहने वाला है, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको इसके अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे आपको राहुल सर, निखिल सर, दीप्ति मैम और तान्या मैम पढ़ाने वाले हैं। 15 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप बिल्कुल एक भी क्लास मिस ना करें, इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप इसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं। मोस्ट रिलेवेंट बैच रहने वाला है ये CET 2022 हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, GD हो, IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, RRB NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो, फुल सिलेबस आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा, प्री टू मेंस।
तो बहुत अच्छा बैच है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया है तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड PMYT। PMYT कोड लगाने से गाइस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अभी कोड नोट कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन परचेज करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अग्नि बैच में एनरोल कर लीजिए। बहुत अच्छा बैच है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।